मित्रों, कृषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि देश विदेशों में फैली हुई थी, जिसके कारण एक बार एक विदेशी महिला उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे हमारा पुत्र बड़ा होकर इस संसार को ज्ञान की प्राप्ति कराए और मेरा नाम रोशन करे। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो हमें अपना पुत्र बना ले, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इतना सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, धन्य है आप साक्षात ईश्वर के रूप के समान है, कि किसी भी परिस्थिति में भी आप अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है कि जो हर परिस्थिति में भी नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।